बाबू सनफ्लावर का स्पेलिंग बताना। मैं आप लोगों के साथ बाद में रिवील करूंगी बिकॉज इट इज माई बर्थडे। मैंने सोचा था पहनूंगी। श्री फाउंडेशन रिसीवर। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, फाइन एंड सेफ होंगे। सो आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है एंड क्या करते हैं क्या नहीं करते सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। सो फिलहाल अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया है। आज थोड़ा लेट से उठी थी बिकॉज आई एम नॉट डूइंग वेल एंड उसके बाद अभी पढ़ाने जाएंगे। पढ़ा के आके फिर कहाँ जाते क्या करते सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, देखते रहना। स्किप कर दिया तो मिस कर जाओगे। विदाउट एनी फर्दर डू एंड वेस्टिंग टाइम, चलिए सुबह को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को आज के ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। सो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। रेडी हो गई, पढ़ाने जा रही हूँ, फिर पढ़ा के आके ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंड दिस मंथ इज गोना बी फन एंड बर्थडे मेकओवर लेने जाना है। बहुत कुछ है, सब कुछ आप लोग साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अभी पढ़ा के आते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं पढ़ा के घर आ गई हूँ। छत में आती, सोचा ये सब दिखाओ। यहाँ पे पूरा लाइन से फूल सुबह अच्छे से खिला रहता है, अभी मुरझा गया धूप के वजह से। नहीं ये तो खुले पूरे सब है ना, कि मैंने सूखिए कैसे ना, तो पेड़े नहीं ना। यहाँ पे देखो ये पूरा सुंदर से खिला हुआ है उस तरफ है, इस तरफ। ये डाल हम लोग जो वैक्सीन लेने गए थे ना, वहाँ पे एक पार्क था। अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा तो आप लोगों को पता होगा, वहाँ से मम्मी वो डाल तोड़ के लाई थी। अभी इतना बड़ा हो गया। अब इसका मेन जगह कहाँ से है वो मैं नहीं बता सकती, यहाँ से। ये मम्मी अच्छा बता सकती है, यहाँ से पूरा यहाँ से जा रहा है, वहाँ जा रहा है। यहाँ पे भी और भी कुड़िया खिलने को है। बहुत ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर है, मैं आप लोगों को और एक बार दिखा देती हूँ। वेट, वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत धूप है, भी मैं नीचे जाकर फ्रेश होंगी। এটা ফুল, এটাও ফুল। আচ্ছা, এটা তেঁতুল, এটা আমের টক ঝাল মিষ্টি, এটা টক মিষ্টি আমসি, এটা আমসি আমসি, এটা আমসের তো খেজুর, এটা মিষ্টি চালটা, এটা টক ঝাল মিষ্টি চালটা, এটা রসুন, এটা পাঁচ বিশালি আছে, টক আম আছে, আম কাশিন্দি আছে, এটা কাঁচা লঙ্কার আছে, কাঁচা লঙ্কার আছে, এটা লাল মশলা লঙ্কা, আমলকির মোরব্বা আছে, মিষ্টি আমে, আর এটা পাইনাপেল। बाबू सनफ्लावर का स्पेलिंग बताना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने कुछ शॉपिंग किया है, तो अर्बैनिक से आज ये ड्रेस आया है। ये मैं आप लोगों के साथ बाद में रिवील करूँगी बिकॉज इट इज़ माई बर्थडे मंथ एंड बर्थडे मंथ इज़ गोना बी फन, शॉपिंग, मेकओवर एंड व्हाट नॉट। यहाँ पे मैंने एक शू ऑर्डर किया था, वो भी मैं बाद में रिवील करूँगी बिकॉज इस सब मैं बर्थडे में पहनने वाली, सो उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। बट और कुछ पैंट्स हैं, मैं वो आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। बेटा मिनट। सो ये रहा हुडी, मैंने कुछ दिन पहले लिया था। सो ये टोक्यो टॉकीज का हुडी है एंड ये मेरा है जिम पैंट्स। सो मैं घर जिम नहीं ज्वाइन की हूँ, मतलब दिस इज़ फॉर घर के लिए, लाइक योगा पैंट्स। एंड ये और एक पैंट है लाइक फॉर्मल्स टाइप के, एंड मैं इसको यहाँ पे बिछा कर रखती हूँ ताकि गंदा ना हो। एंड यहाँ पे मैंने ब्रश रखे हैं ऐसे करके। फिलहाल अभी कुछ ऐसा शॉपिंग चल रहा है, अभी बहुत कुछ शॉपिंग चल रहा है, लाइक मेरा लाइक अलमीरा मेरा पूरा फुल हो गया है। यहाँ पे भी ये मैंने सोचा था पहनूंगी बट अभी तक पहनना नहीं हुआ। मैंने ये पहन के वीडियो शूट किया, मेरा क्वाड से रखे हुए हैं एंड ऊपर में मेरे बैग्स और रखे हुए हैं। फिलहाल का अपडेट ये है। सो अभी ऐसा कुछ अरेंज करके रखा है, पूरा व्लॉग आप लोगों को दे दूंगी, लाइक मेरे मेकअप चैनल में जाएगा। एंड शुगर की तरफ से मुझे ये थ्री फाउंडेशन रिसीव हुआ है, SPR 137 शेड, 35 है, 40 एंड 35। तो 35 इज़ माई शेड। ये दोनों फाउंडेशन रखे हुए हैं, मैं यूज़ करूँगी ऑन माई क्लाइंट्स। एंड अभी शादी का सीज़न आएगा तो वहाँ पर यूज़ कर लूँगी या फिर किसी को दे दूँगी। एंड यहाँ पर मेरा और एक शुगर का नया रखा हुआ है। सो अब ये सेक्शन मेरा पूरा फाउंडेशन का हो गया है, यहाँ पर पूरा प्राइमर्स रखा हुआ है। सो यह अभी का अपडेट ये है, कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए होता है शॉपिंग के लिए एंड दिस इज माई बर्थडे, मतलब शॉपिंग ज़्यादा बनता है एंड पैम्परिंग खुद को भी बनता है, तो ये सब मैं खुद को गिफ्ट कर रही हूँ, लाइक आई लव इट। शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अर्बैनिक से मैंने ये लेके सेकेंड टाइम कपड़ा ऑर्डर किया है, बहुत अच्छा मटेरियल रहता है, लाइक बहुत, लाइक क्या ही बोले, वर्थ इट रहता है। एंड अभी मैंने अपने हेयर केयर के लिए दूसरा
प्रिज्म में आई हूँ। पहले मैट्रिक्स यूज़ करती थी, अभी मैं लॉरियल का एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ। कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो आप लोगों में बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। ट्रस्ट मी, आज मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ। लाइक मैट्रिक्स यूज़ करती तो शायद मुझे शैम्पू चेंज करने की ज़रूरत है, तो सोचा मैं शैम्पू चेंज कर लेती हूँ, देखते उससे हेयर फॉल होता है या नहीं। एंड उसके बाद बहुत घर के होम रेमेडीज़ भी कर रही हूँ, तो मेरा हेयर फॉल अभी रुका है। मैं आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल प्रोफेशनल एक्सटेंसो केयर शैम्पू प्रो कैरेटीन एंड इंसेल। ये मैंने नायका से लिया था, एंटी ब्रेकेज एंटी ड्रेनेज एंड स्ट्रेटन हेयर के लिए है। सो इसका प्राइस देख सकते हो 610, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। दिस इसका कितना ml है मैं आप लोगों को बता दूँ, 250। एंड यश भाट चिल्ला रहा है, प्लीज़ इग्नोर दैट। 250 ml का 610, एक्सपेंसिव बट वर्थ द मनी। सो बहुत ही अमेजिंग है, डू ट्राई गाइज। एंड मैं थोड़ा सा घर अरेंज कर रही थी बिकॉज घर का हालत बहुत ख़राब हो रखा है। सो अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मैट्रिक्स का जो हेयर मास्क यूज़ करती हूँ वही मैं यूज़ कर रही हूँ। बस फिलहाल का भी अपडेट ये है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं मेला से लाई थी। यहाँ पे मेरे BH कॉस्मेटिक्स है, फिर जोईवा एक ब्रांड है, उसका ब्रशेस सब है। सो बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग। सो मुझे ये ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है, सेट भी बहुत अच्छा है, पूरे मेरे वैनिटी के संग मैच करता है। एंड मैं जब शूट करती हूँ तो मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, वरना गंदा हो जाता है, जैसे देख सकते हो वाइट है ना, गंदा हो जाएगा। सो इसीलिए मैं ऐसे ही रखती हूँ। मैं यहाँ पे फर खरीदूँगी, नीचे जैसे आप लोग देख सकते हो वैसे मैं वाइट में खरीद के यहाँ पे रखूँगी। सो उसके लिए मुझे बड़े बाजार जाना पड़ेगा। सो अभी मैं डिनर करूँगी, डिनर में क्या है वो आप लोग शेयर करते हैं। सो मेरे इस रूम में भी थोड़ा बहुत रेनोवेशन हो गया। एंड मैं सोच रही है अलमीरा जो है मैं इसको रिप्लेस करके फर्नीचर बनवाऊँगी। सो अभी इस मोमेंट में पॉसिबल नहीं है, इसको रिप्लेस नहीं भी करवा सकती हूँ, रेनोवेट करवाऊँगी, कुछ भी करूँगी। एंड क्या भाई ऐसा करता रहता है। सो सोच रही हूँ कुछ फर्नीचर खरीदूंगी, क्या करते क्या सब कुछ आप लोग से शेयर करेंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा दुष्ट हो गया है, आज इसका फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, आज ये कृष्णा सच के गया था, देख सकते हो नटखट। सब लोग चिल्लाया था, कैसे चिल्ला रहे थे, कृष्णा 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 करके चिल्ला रहे थे। और यश बोल रहा था, और थोड़ा तारीफ कर सकते थे, ऐसे बोल रहा था। और कौन सा जाया था तुमको, कृष्णा अम्मी और बुआ। तो सुबह सुबह उठ कर हम लोग कृष्णा सजा रहे थे, आप लोगों से शेयर करना नहीं हुआ, मैं पिक डाल दूंगी यहाँ पे, देख लेना आप लोग। सो ये आ गया मेरा पालक पनीर एंड पराठे। ये पराठे पूरे क्या बोलते उसको, आटा का है, कोई मैदा नहीं है, नो मैदा, ओनली घी के पराठे एंड पालक पनीर, बहुत ही यम्मी है। एंड यहाँ खा लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पालक पनीर पसंद करती हूँ, पालक का तो जूस वूस पीती हूँ नहीं, तो इससे अच्छा पालक पनीर ही खाया जाए, बहुत ही हेल्दी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल मिलते हैं विद अ न्यू ब्लॉग। कल कुछ लेने जा रहे हैं, उसका भी मैं ब्लॉग शूट करूँगी बट वो मैं बाद में पोस्ट करूँगी। सो हम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्या है क्या नहीं अगर गेस कर लिया तो कमेंट करो। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय, गुड नाइट, आई लव यू ऑल, बाय।